क्यों नहीं देखना चाहती हैं ज्योति सिंह अपने ही पति पवन सिंह का चेहरा। जी हाँ, अब पवन और ज्योति के बीच रिश्तों में इस कदर दरार आ चुकी है कि पवन सिंह के लाख कहने पर भी अब ज्योति सिंह उनके पास वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि इसके पीछे रीज़न बताया जाता है उनकी दूसरी पत्नी नीलम और अक्षरा सिंह के साथ जिस तरह उनके रिलेशन बिगड़े। हमेशा इन बातों का हवाला देकर ज्योति सिंह ये कहती हैं कि पवन ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। जैसे कि पवन की पहली पत्नी रीना रानी से उनका डिवोर्स, दूसरी पत्नी की आत्महत्या पर उनका सीधे तौर पर नहीं लेकिन मौत के पीछे उन्हीं की वजह माना जाना, और अक्षरा सिंह के साथ बहुत बड़ा विवाद जिसमें अक्षरा ने कई खुलासे किए कि पवन ने उन्हें गाली गलौज, मारपीट, हर तरह से उन्हें हैरेस किया। और भोजपुरी में ऐसी कई हीरोइनें हैं जिनसे कभी पवन सिंह का अफेयर रहा लेकिन अब नहीं है। पवन और उनके साथ कई लड़कियों का नाम ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंचाती है। वैसे ज्योति सिंह ही नहीं, पवन के ऊपर भोजपुरी की ऐसी कई हीरोइनें हैं जिन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। अक्षरा सिंह तो उसका जीता जागता उदाहरण है। कभी पवन सिंह के ऊपर रानी चटर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। रानी चटर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें मारने तक की साजिश हो रही है। रूबी सिंह का नाम भी पवन सिंह के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये बात की बात है कि बाद में रूबी सिंह ने आत्महत्या कर ली। कहा जाता था कि पवन सिंह के साथ इनके बहुत ही गहरे ताल्लुकात थे। वैसे खेसारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के भी नाम कई बार कई एक्ट्रेसेस से जुड़ते रहे हैं, लेकिन उनके नाम इस तरह ख़राब नहीं हुए हैं जिस तरह से पवन सिंह के हुए हैं। पवन सिंह पर कई आरोप लगे लेकिन पवन सिंह ने कभी इन आरोपों के लिए कुछ कहा नहीं, हमेशा नो कमेंट कह के हट जाते हैं और अपनी सफाई तक पेश नहीं करते। वैसे पवन सिंह के गाने, पवन सिंह की फिल्में, पवन सिंह के स्टेज शो जितने पॉपुलर होते हैं उससे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनके प्यार के किस्से। आजकल ज्योति ने मन बना लिया है कि पवन सिंह के साथ उन्हें नहीं रहना है, इसलिए शायद पवन सिंह से एक सेपरेट लाइफ जी रही हैं वो, और फिर पवन सिंह की लाइफ में कभी कमबैक भी नहीं करना चाहती। पवन ने जब अपनी दूसरी पत्नी के मृत्यु की बरसी पर एक पोस्ट लिखा तब उस पोस्ट को रिप्लाई